सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोमित्रम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। पत्नी के माथे पर इस तरह से लगाया गया सिंदूर पति के दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोमित्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों 16 संस्कार में एक संस्कार होता है विवाह संस्कार, और भारतीय संस्कृति में विवाह संस्कार का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि विवाह के बाद एक नया जन्म पति और पत्नी का होता है, नए घर में प्रवेश होता है, नए जीवन की शुरुआत होती है। और जब इस शुरुआत का जो है प्रारंभ होता है, तो उस समय पति के द्वारा पत्नी की मांग में सिंदूर भरा जाता है, और यह सिंदूर पति की उन्नति के लिए होता है, पति की लंबी आयु के लिए होता है, और पति के सौभाग्य के लिए होता है। तो ये सौभाग्य का सूचक सिंदूर होता है, और इसको जो है प्रत्येक दिन प्रत्येक पत्नी को नियम पूर्वक भरना चाहिए। लेकिन आजकल देखने में ये आता है कि अधिकतर आधुनिक फैशन के कारण पत्नियां इस सिंदूर भरने में कई प्रकार की गलती करती है, और ये गलती उनके लिए भारी पड़ सकती है। वैसे तो देखा जाए तो भारतीय संस्कृति में हर रीति रिवाज और रस्मों के पीछे कोई ना कोई धार्मिक कारण के साथ में वैज्ञानिक कारण भी छिपा होता है। महिलाओं को मांग में सिंदूर भरने का धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों प्रकार से महत्व है। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो धार्मिक महत्व यह है कि पति की उससे लंबी आयु होगी, पति का मान सम्मान बढ़ेगा, पति पत्नी के बीच में प्रेम और सद्भाव रहेगा। इसलिए पत्नी को मांग के बीचों बीच सूखा एवं लाल या सिंदूरी रंग का सिंदूर लगाना चाहिए। साथ ही साथ ये आवश्यक हो कि पत्नियां किस प्रकार से किस तरह से सिंदूर लगाए। वैसे तो पत्नी मांग के बीचों बीच लाल रंग का सिंदूर लगाती है तो उनके पति की लंबी आयु होती है, और दोनों का जीवन सुखमय और शांतिप्रद होता है, और पति की लंबी आयु इससे होती है। और यदि पत्नियां अपनी मांग में किनारे पर थोड़ा सा सिंदूर लगा लेती है तो पति उनसे किनारा कर लेंगे, और पति पत्नी के बीच में धीरे धीरे दूरी बन जाएगी। सिंदूर लगाने के साथ ही जो है ये ध्यान रखना होगा कि जो है पति पत्नी के बीच में जो है सुख शांति और समृद्धि रहे। इसके लिए पत्नी को ये ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर जो पत्नियां बालों के बीच में छुपा करके रखती है, उनके पति की जो ख्याति होती है, प्रसिद्धि होती है, वो समाज में विलुप्त तो हो जाती है, पति का मान सम्मान विलुप्त तो हो जाता है। अतः सिंदूर सही प्रकार से लगाना चाहिए, सूखा सिंदूर लगाना चाहिए, सिंदूर का रंग लाल या केसरिया होना चाहिए। गीला सिंदूर कभी भी मांग में नहीं लगाया जाता है, और मांग के बीचों बीच लगाना चाहिए, और पूरी मांग को भरना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटा सा आपने केवल दिखावे मात्र के लिए सिंदूर लगा लिया है। अरे ये दिखावा नहीं, ये एक सौभाग्य है। पति पत्नी के बीच में एक रिश्ता होता है जिसमें सिंदूर का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है, और यदि इसको नियम पूर्वक पत्नियां लगाएं तो निश्चित तौर पे उनके पति की उन्नति होगी, उनके पति की ख्याति बढ़ेगी, उनकी पति की लंबी आयु होगी, और सभी प्रकार से पति उनकी प्रगति को प्राप्त करेंगे। तो सभी महिलाएं इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें कि सिंदूर पूरी मांग में भरा जाए, बीचों बीच भरा जाए, सिंदूर छुपना नहीं चाहिए, सिंदूर सबको दिखना चाहिए। ऐसा सिंदूर जब मांग में लगाती है तो पत्नियां जो है अपने पति को ऊंचाई पर ले जाती है। तो मित्रों हमने जो जानकारी दी, यदि वह आपको अच्छी लगे तो इसको आप शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। सादर जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।